हेलो वीवर्स, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हमने समावयवता अध्याय को पूरा आपको पढ़ा दिया था, लेकिन उसी अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आज हम बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, C5H12 के कितने समावयवी हैं। देखिए, C5 का मतलब पांच कार्बन है। पांच कार्बन का मतलब पेंटेन होता है, तो इसके C5H12 के तीन समावयवी हैं। तीन समावयवी हैं। सबसे पहला है CH3, CH2, 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 CH3। ये एक रिज श्रृंखला में है, ये एन पेंटेन है। और दूसरा समावयवी इसका है CH3, CH, CH3, CH2, CH3। या इसी को आप इस रूप में दिखा सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस CH, CH2, CH3। ये आइसोपेंटेन है। ये दो समावयवी हो गए। तीसरा समावयवी इसका जो है वो ये है, ये है, इसको कहा जाता है नियोपेंटेन। नियो समूह ये है, ये नियो ग्रुप है, इसको नियो ग्रुप कहते हैं, नियो ग्रुप है। तो C5H12 के तीन समावयवी हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये तीन समावयवी इसके हो गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है कि इसके तीन समावयवी। अगला क्वेश्चन है C4H10O के कितने समावयवी हैं। सबसे पहला है CH3, CH2, CH2, CH2OH। ये पहला समावयवी है जिसका नाम जो है 1, 2, 3, 4। ये ब्यूटेन वन ऑल है। ये पहला समावयवी है। दूसरा समावयवी है CH3, CH, OH, CH2, CH3। ये दूसरा समावयवी है। ये पहला वाला ब्यूटेन वन आल है, दूसरा ब्यूटेन टू आल है। 3, 4 ब्यूटेन, देखिए C4H10O के चार समावयवी है, ब्यूटेन वन आल, ब्यूटेन टू आल, 2-methyl propane 1-ol और 2-methyl propane 1-ol। तो ये चार समावयवी हैं C4H10O के। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन है C3H7Cl के। ये दो समावयवी हैं इसके, दो समावयवी। पहला है CH3, CH2, CH2Cl और इसी का दूसरा है CH3CH, Cl CH3।
ये हो जाएगा एक दो तीन, पहले कार्बन पर क्लोरो है तो वन क्लोरो प्रोपेन, ये है टू क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन और टू क्लोरो प्रोपेन, इसके दो समावयवी हैं सी थ्री एस सेवन, एक दो तीन और तीन दो पांच दो सात, तो एक वन क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, दूसरा टू क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, और सूत्र वही है लेकिन प्रतिस्थापी समूह के स्थान में भिन्नता है एक दो तीन, तो यह स्थान समावयवता के अंतर्गत आएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी समावयवता है, तो सबसे पहला है CH3 CH2 CHO, और इसका दूसरा पार्ट है CH3 COOCH3। ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है, प्रोपियोन एल्डिहाइड, और ये है एसीटोन। यहां पर CHO समूह है, यहां पर कीटोनिक समूह है, कीटोनिक समूह, तो इन दोनों के बीच जो समावयवता पाई जाएगी वो क्रियात्मक समावयवता पाई जाएगी। चलिए दूसरा है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। देखिए दोनों का सूत्र एक है, एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन, हाइड्रोजन तीन दो पांच दो सात तीन दस, तीन तीन छह तीन नौ एक दस है, तो दोनों का सूत्र वही, लेकिन कार्बन श्रृंखला की रचना में भिन्नता है। ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, और ये आइसो ब्यूटेन है, आइसो ब्यूटेन है, क्योंकि इसी को आप इस रूप में भी लिखते हैं, ये आइसो समूह है, तो इनमें जो समावयवता पाई जाएगी वो चेन आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, श्रृंखला समावयवता पाई जाएगी, श्रृंखला समावयवता। अब ये भी देखिए दोनों का सूत्र एक है, यहां पर ओआर समूह है जिसको ईथर समूह कहते हैं, यहां पर ओएच समूह है, ये एल्कोहलिक है, तो ये दोनों जो है ये भी क्रियात्मक समावयवता है, क्रियात्मक समावयवता पाई जाएगी। तो ये रहे समावयवता से संबंधित प्रश्न, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।